हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो फिर से आएगा आपके लिए एक ज़बरदस्त टूल। इस टूल के मदद से आप सिंपल तरीके से वन क्लिक में आपको एक प्रोफाइल फोटो क्रिएट कर सकते हो। सिंपल में आपको यूट्यूबर के लिए, चाहे आप फेसबुक प्रोफाइल के लिए या आपका इंस्टा प्रोफाइल के लिए, सिंपल में वन क्लिक में आप भी सिंपल तरीके से आप प्रोफाइल फोटो जनरेट कर सकते हो। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो किस तरह से आप एक प्रोफाइल फोटो क्रिएट कर सकते हो? आपको एडिटिंग करना नहीं आता है, प्रोफाइल फोटो बनाना ही नहीं आता है, तो सिंपल में उसका कुछ लेना देना नहीं, कुछ ज्ञान का ज़रूरत नहीं। सिंपल में वन क्लिक में आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो इस टूल की मदद से। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो या जनरेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सिंपल में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। आने के बाद आपके पास जो भी ब्राउजर है सिंपल में वो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने में सिंपल में प्रोफाइल पिक्चर मेकर सिंपल में टाइप करके सर्च कीजिए। तो चलिए मैं टाइप करके सर्च करता हूँ। सर्च करने में देख सकते गाइस आपके सामने फर्स्ट नंबर वेबसाइट आता है, देख सकते गाइस। इधर आप सिंपल में ये भी नाम सर्च कर सकते हो, चाहे जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी आप नाम सर्च कर सकते हो। तो आपके मर्जी के हिसाब से सर्च कर सकते हो, दोनों नाम एक ही है। तो सिंपल में ये प्लेटफॉर्म है वो फिल्पम है। तो सिंपल में उस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। गाइस देख सकते हो इस तरह से आ गए। आने के बाद सिंपल में आपको कुछ करना जरूर नहीं, आप नॉर्मल मोड में भी यूज़ कर सकते हो, आप डेस्कटॉप मोड में भी यूज़ कर सकते हो, तो आपके मर्जी। देख सकते गाइस इस तरह से आप भी सिंपल में जनरेट कर सकते हो। आपको डेमो भी दिया है इस तरह से आप सिंपल में जनरेट कर सकते हो। तो चलिए किस तरह से करते हैं वो जानेंगे। फटाफट देख सकते हो अपलोड फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते फिर से आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन देखने मिले। इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आपका जो भी डिवाइस है, या आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है या आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, तो सिंपल में उसमें जाएगा। तो आपको जो फोटो प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है वो फोटो सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए आगे प्रोसेस जानेंगे। तो देख सकते हो मैं एक प्रोफाइल फोटो ले लिया, तो आपके सामने मैं प्रोफाइल फोटो ले लिया, लेकिन ऐड बहुत देखने के मिलेगा। ऐड को सिंपल में स्किप कीजिए। देख सकते हो मेरा जो फोटो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो के आ रहा है। तो सिंपल में देख सकते हो जनरेट हो के भी आ गए। तो देख सकते हो इस तरह से आ गए। तो सिंपल में मैं आपको डेस्कटॉप मोड में यूज़ करके आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ कि किस तरह से आ गए। तो देख सकते हो आप एक प्रोफाइल फोटो दिए, देख सकते हो एक प्रोफाइल फोटो से कितना फोटो क्लियर कर दिया। देख सकते हो आपको एडिटिंग नहीं आता तो सिंपल में इसको देख सकते हो कितना अच्छा बढ़िया तरीके से देख सकते हो। फोटो को पूरा HD क्वालिटी में कन्वर्ट करके देता है। सिंपल में देख सकते हो कितना कैटेगरी देख सकते हो, कितना अलग 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 कैटेगरी आपको देखने मिलेगा। तो आपको जो भी फोटो पसंद आया, जो भी प्रोफाइल फोटो पसंद आया, सिंपल में कुछ करना जरूर है, उसको होल्ड करके पकड़िए। सिंपल में देख सकते हो इधर आपको आइकन देखने के लिए मिले। सिंपल में देख सकते हो इधर आइकन देखने मिले। सिंपल में इस आइकन पे क्लिक कीजिए। इस आइकन पे क्लिक किया तो आपका फोटो डायरेक्टली डाउनलोड होता है। देख सकते हो आपको सामने डाउनलोड करके बताता हूँ, इसको कुछ करना जरूरी है। देख सकते हो आप सिंपल में इस तरह से डाउनलोड करके आप देख सकते हो इस तरह से यूज़ कर सकते हो। चाहे आप इस प्रोफाइल फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो, मान लीजिए आपका फोटो फेस सही तरीके से नहीं दिख रहा है, सिंपल में कुछ करना जरूरी है। देख सकते हो इधर पेंसिल आइकन पर क्लिक कीजिए। देख सकते हो आप इधर से आपका प्रोफाइल को प्रोफाइल एडजस्ट करके सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर देख सकते हो फिर प्रोफाइल फोटो चेंज होकर आया। सिंपल में कुछ करना जरूर नहीं। देख सकते हो इस तरह से होल्ड करके पकड़िए, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो सिंपल में डाउनलोड होता है। डाउनलोड होने पर देख सकते हो फिर इधर आपको अलग अलग कैटेगरी भी देखने के मिलेगा। देख सकते हो आप इधर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आपको न्यू चाहिए प्रोफाइल तो वो भी ले सकते हो। ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएटिविटी तो आपको देख सकते हो इतना सारा क्रिएटिविटी दिखता है। तो जो आपको लगे आपको यूज़ करना कुछ ज़रूरी नहीं, आपको कुछ एडिटिंग आता या नहीं उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। सिंपल में देख सकते इतना सारा कैटेगरी है सिंपल में, आपको इसका अंदर कोई तो पसंद आएगा ही, नहीं आया तो भी आपको सिंपल में आपके हिसाब से देख सकते इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपको देख सकते हो इस तरह से फिर से एक जनरेट करके आता है। सिंपल में देख सकते हो आपके हिसाब से मन चाहे सिंपल में प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। देख सकते आपको देख सकते हो DLR का फील भी देता है। सिंपल में मैं दो तीन अपलोड किया, इस वीडियो का एंड में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हुआ। होने पर देख सकते हो आप देख सकते हो इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हो वो फोटो भी एडजस्ट कर सकते हो, प्लस आपका जो भी फोटो प्रोफाइल फोटो उसको कलर भी ड्यूरेशन दे सकते हो। देख सकते इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको देख सकते हो आपको फोटो का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सिंपल में देख सकते हो आपको ये फोटो नहीं चाहिए तो सिंपल में रिफ्रेश कर सकते हो। बाद में ये देख सकते हो
आपका फोटो का कलर चेंज करना है सिंपोलो में देख सकते हो, इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। बैकग्राउंड जैसा चाहिए आपको उस तरह से आप सिंपोलो में ले सकते हो, तो आपको लेना है तो ले सकते हो। चाहे आप इधर से कलर रिडेशन करना चाहते हो सिंपोलो में इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो। गाइस इधर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन पर क्लिक करके ये ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपको कलर जो चाहिए सिंपोलो में बैकग्राउंड में कलर रख सकते हो। सिंपोलो में देख सकते हो, इस बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, क्लिक सेव करता हूँ, सिंपोलो में उस बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। सिंपल में इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। सिंपल कुछ करना जरूर नहीं, आपको प्रोफाइल फोटो अपलोड कीजिए, आपको जीमेल आईडी देने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो सिंपल में इस तरह से यूज करता हूँ कि प्रोफाइल पिक्चर मेकर ऐप टूल के बारे में आपको पूरा जानकारी पता चल गया होगा कि किस तरह से आप सिंपल में वन क्लिक में आपका जो भी प्रोफाइल है आप एडिटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, आप जिस जो मन चाहे वो बैकग्राउंड ले सकते हो, फिर कलर एडिटिंग करना चाहते हो सिंपल में कलर भी एडिटिंग कर सकते हो। फिर इस टूल में आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप साइनिंग करने का कुछ जरूरत नहीं, सिंपल में आपका जीमेल आईडी भी नहीं लगता, सिंपल में फ्री टूल है, यूज़ कीजिए, जितना दिन फ्री है उतना दिन यूज़ कीजिए। बाद में प्रीमियम होने के बाद, पेड होने के बाद आपको यूज़ करने के लिए, इतना ही यूज़ करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जितना दिन है उतना दिन आप फायदा ले सकते हो। तो आशा करता हूँ इस टूल के बारे में पूरा आपको जानकारी पता चल गया होगा कि किस तरह से आप एक फोटो को प्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पता चला तो प्यारे से एक लाइक कर सकते हो। फिर ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेकिन इस टूल के लिए और बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन फिलहाल के लिए इस टूल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।